हेलो फ्रेंड्स, मैं काशिप आप सबका स्वागत करता हूँ थियोरिटी प्रैक्टिकल के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर 2018 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो क्वेरी आई है उनके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं, उनको थोड़ा सॉल्व करने की हमने कोशिश करी है। उससे पहले मैं आपको बताता चलता हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की एसएससी जूनियर इंजीनियर की वो है 17 नवंबर 2017। शाम को 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और पेमेंट वगैरह का भी जो भी सिस्टम है आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जाके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एक चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करी है। जो ज़्यादातर क्वेरीज आती हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों की, स्टूडेंट की, वो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम एक ही प्रॉब्लम है वो है प्रेफरेंस की, कि भाई इस एग्ज़ाम के अंदर जो आप प्रेफरेंस डालनी है वो क्या प्रेफरेंस डालनी है। ठीक है, जैसे मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच की जो है कुछ जो वैकेंसी हैं, 7 वैकेंसी निकली है मैकेनिक, मतलब 7 फील्ड के अंदर वैकेंसी निकली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 नहीं है मैकेनिकल की, 7 फील्ड के अंदर वैकेंसी है, तो मैंने वो 7 फील्ड यहाँ पर लिख रखी हैं। अब ज़्यादातर हमारे पास क्वेरी आती हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि सर सबसे पहले हम जो है कौन सी जॉब को प्रेफरेंस दें। देखिए, पहली बात तो ये आती है कि आपको इसके लिए ये सोचना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड के अंदर है। जैसे यहाँ पे मैंने 7 यहाँ पे डिपार्टमेंट लिख रखे हैं। पहला है सेंट्रल वाटर कमीशन डिपार्टमेंट जो है, इसके अंदर मैकेनिकल की पोस्ट है, सिविल की भी है। MES का मतलब है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तीसरा है फरक्का बैराज के अंदर है। फोर्थ है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। फिर है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन। सिक्स्थ है आपका क्वालिटी अश्योरेंस और सेवन्थ है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़्यादातर स्टूडेंट के जो मेरे से सवाल रहे हैं अभी तक वो यही रहे हैं कि सर हमने फॉर्म पूरा फिल कर दिया है बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जॉब प्रेफरेंस जो है वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग कौन सी जॉब है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये जॉब जो है वो आपको करनी है, मुझे नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो MES को बहुत अच्छा मानता हूँ। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर जो पोस्ट होती है वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, पर हो सकता है आपके अकॉर्डिंग जो है वो जनरल डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाली अच्छी हो, क्योंकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो जॉब होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, काफ़ी पावरफुल वाली जॉब होती है और ये सब आप सब जानती हैं, जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम है। तो इसके अंदर आपको जॉब प्रेफरेंस किस तरह से भरना है, देखिए सबसे पहले आप देखिए कि आपको कहाँ पे जाना है। ठीक है, पहले अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ वैकेंसी जिसके अंदर ज़्यादा है आप उसको भर दीजिए, वो भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई किसी के भी अंदर जाओ हमें तो एक जॉब मिलनी चाहिए, तो ठीक है सबसे ज़्यादा जिसके अंदर वैकेंसी है आप उसको सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस रखिए। ठीक है, या फिर मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा यही रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो, कि आपको सोचिए कि आपको किस फील्ड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या आपको मिलिट्री के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है या सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर या फिर इसके अलावा आपको फरक्का बैराज का जो ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है, मतलब यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना चाहते हैं, या आप क्वालिटी डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हैं जो क्वालिटी सर्वेइंग होता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स, मतलब मैकेनिकल की मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं यहाँ पे, और क्वालिटी आप जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल वाला हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर भी क्वालिटी कंट्रोल्स वाली कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अगर आपको क्वालिटी कंट्रोल के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो आप उसके अंदर जाइए। नहीं तो अगर आपको आपका जो सपना है मतलब पढ़ने का है, कुछ रिसर्च टाइप करने का है, तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाइए, या इसके अलावा सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के अंदर जाइए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपने जॉब प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये आपको खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हर किसी का एक ना एक इंटरेस्ट रहता है जिसके अकॉर्डिंग ही वो जॉब को चूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ डिपार्टमेंट थे। तो जो भी आप चूज़ करें, मैं हर एक स्टूडेंट को जो भी मेरे से फ़ोन पे क्वेरी करता है, मतलब फ़ोन पे कुछ भी पूछता है, तो मैं उसको यही बात बोलता हूँ कि आप जो हैं पहले खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अगर आप अपने आप को जूनियर इंजीनियर बनता हुआ देखते हैं तो आप किस डिपार्टमेंट में अपने आप को देखना चाहेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा खुशी देगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब आपको जो भी आपका पहला आंसर हो उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डालिए, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस डालिए, थर्ड प्रेफरेंस डालिए। इस तरह आपको अपनी सारी प्रेफरेंसेस को जो है फिल करना है और इसके अंदर जो है आपको
मेरे अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छा डिपार्टमेंट है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो मेरे लिए डायरेक्टर जनरल बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने ये तो बात कर ली थोड़ी भी डिपार्टमेंट के बारे में जो ज़्यादातर क्वेरीज थी। अब एक और सवाल है जो बच्चों का ज़्यादातर पूछने का मेरे से बनता है कि सर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए हम लोगों की, इसके अंदर अगर हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं टाइम कम है, 2 महीने बचे हैं, तो हम लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए इसके अंदर। हमें आपके वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, आपके वीडियो लेक्चर मिलते हैं, तो उस वीडियो लेक्चर से किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स से पढ़ना है, कुछ स्टूडेंट अलग अलग बुक्स के नाम पूछते हैं। ठीक है, तो आइए अब उनके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी मैच को जीतने के लिए या किसी भी एक युद्ध को जीतने के लिए एक सही रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए भी आपके पास एक सही रणनीति ज़रूर होनी चाहिए, आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए। जब तक आप उस प्लान को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका उस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन जो है वो आप खुद ब खुद ही डाउन कर लेंगे, अपने ऊपर ही डाउन कर लेंगे। ठीक है, एक तो होती हैं कंडीशंस, कई बार ऐसा होता है कि आपकी कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, वो एक अलग बात होती है, पर यदि आप कोई प्लान बनाते हैं और आप उसको जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से खुद को चीट कर रहे हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ स्ट्रैटेजी में, जो ज़्यादातर स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि सर आपके वीडियो लेक्चर के थ्रू हमें किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो लेक्चर लें उसको कभी भी एज अ मूवी ना लीजिए, एज ए मूवी नहीं है वो कोई मूवी नहीं चल रही आपके सामने जिसके अंदर मैं या फिर और कोई हमारी फैकल्टी है या कोई भी है वो पढ़ा रहा है और आप उसको देख रहे हैं। तो जब भी आप पढ़ने की कोशिश करें या पढ़ना चाहें और वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात कि अपने आप को इस तरह से फील कीजिए जैसे आप एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए हैं और क्लासरूम के अंदर ही कोई एक टीचर खड़ा है और वो आपको पढ़ा रहा है सारी चीज़ें। वो जो जो बातें बोलते हैं, जो जो हमारी जो जो फैकल्टी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलती हैं या फिर बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मैं भी कई लेक्चर अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि ये नोट है और ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखिए, तो आप उन सब चीज़ को हैंड टू हैंड अपने कॉपी के अंदर लिख लिया कीजिए। आपने जो भी नोट्स बना रहे हैं आप अपने उस नोट्स के अंदर लिखिए उन सारी चीज़ों को। उसके अलावा जैसे कोई डेरिवेशन सॉल्व हो रहा है और मैंने बोल दिया कि अभी हम प्री की तैयारी कर रहे हैं और प्री के अंदर डेरिवेशन नहीं आते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस डेरिवेशन को छोड़ देना है। वो डेरिवेशन क्यों करवाया जा रहा है, वो डेरिवेशन इसीलिए ही करवाया जा रहा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, और जितने ज़्यादा हो सके आप एक लेक्चर के अंदर से कॉन्सेप्ट को ढूंढने की कोशिश कीजिए, निकालने की कोशिश कीजिए। और एक सवाल होता है क्यों, तो ये सवाल जो है आपके लिए कई बार बहुत यूज़फुल भी हो सकता है और कई बार बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि जैसे मान लिया जाए मैंने एफएम के अंदर कोई आपको टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, और उस एफएम टॉपिक के अंदर आपने मुझसे पूछ लिया कि चलो भैया ये जो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल बनी है ये पैराबोलिक ही क्यों बनी, तो ऐसे सवाल जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, और अगर आप देखेंगे आगे जाके लैमिनार फ्लो के अंदर तो मैंने आपको ये भी बताया कि वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक ही क्यों बनी। ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल जो थी हमारी लैमिनार फ्लो के अंदर जो थी वो पैराबोलिक ही क्यों बनी है, मैंने बता रखा है, वहाँ पे एक डेरिवेशन सॉल्व करवाया है उस डेरिवेशन के थ्रू। तो ये जो सवाल है इनके आंसर आपको खुद मिल जाएंगे, नहीं तो आप इन सवालों के पीछे भागें और उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसा आप जानते हैं जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो थ्योरेटिकल आते हैं, और मेरा यकीन मानिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ज़्यादा ईजी होते हैं सॉल्व करना, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ता है। आप किसी भी चीज़ की किसी भी एग्ज़ाम के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आपके पास एक पूरा विज़न होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लैरिटी के अंदर क्रिस्टल क्लियर। जब तक चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है, आप बुक्स पढ़िए, ठीक है, आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए जितना कर सकते हैं, इसके अलावा आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए, ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही बुक। जो स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि हम कौन सी बुक के साथ कौन सी बुक के क्वेश्चन मिलाएं, तो मैं बोलूँगा देखो दोस्तों कोई भी बुक बुरी या अच्छी नहीं होती है, ठीक है, सारी बुक अच्छी होती है, कोई भी बुक बुरी नहीं होती है, सारी की सारी बुक्स अच्छी हैं। ठीक है, बट डिपेंड ये करता है कि आप उस बुक से कितना गेन कर पाते हैं, आप उस बुक से कितना नॉलेज ले पाते हैं। हर एक बुक के अंदर अपना एक स्पेसिफिक नॉलेज होता है, ठीक है, आप उस बुक से कितना गेन करना चाहते हैं और आप उस बुक से कितना गेन कर पाते हैं,
और मैं तो ये बोलूँगा कि जितना हो सके उतना आप न्यूमेरिकल पे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस दीजिए। चलो ठीक है, न्यूमेरिकल भी नहीं, आप थ्योरेटिकल। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एक थ्योरी की मतलब एक बुक ले आएंगे कोई भी खरीद के, जिसके अंदर आपको एसएससी जेईई के और पिछले 10 सालों के सवाल मिल गए, लास्ट 10 ईयर्स पेपर मिल गए, और उस 10 ईयर के अंदर प्री क्या है मान लिया था, प्री के पेपर मिल गए और ऑब्जेक्टिव दे रखे थे, मान लिया एक क्वेश्चन था और उसके 4 ऑप्शन थे ए बी सी डी। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, थ्योरी क्वेश्चन है तो उसके अंदर सोचने की जहमत नहीं उठाते हैं, सोचते नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो ए ही क्यों होगा, बी ही क्यों होगा, सी ही क्यों होगा, डी। वो क्या करते हैं, डायरेक्ट पीछे आंसर शीट खोलते हैं, यहाँ पे आंसर की लिखी हुई है, आंसर में देखा पहला क्वेश्चन इसका आंसर ए, तो यहाँ पे टिक लगा लेंगे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए खराब हो चुका है। अब आप जब भी अपनी बुक को खोलेंगे, आपने वापस आपका मूड बना चलो पढ़ा जाए, तो अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन के बाद बाकी 3 ऑप्शन को तो आप कंसीडर ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपने पहले जो ऑप्शन था या तीसरा चौथा जो भी ऑप्शन था आपने उस पर एक टिक लगा रखा है, आप डायरेक्ट यही देखेंगे और आप क्या करेंगे उसको रटने की कोशिश करेंगे। अब होना क्या चाहिए था एक्चुअल के अंदर कि आप यहाँ पर कोई टिक ना लगाते किसी भी तरीके का, पहले आप उस क्वेश्चन के बारे में सोचते, जो भी क्वेश्चन दे रखा था किसी भी ब्रांच से रिलेटेड हो, चाहे मैकेनिकल का हो, मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन दे रखा है मान लो कि स्ट्रेस जो है वो कब डेवलप होता है, ऑप्शन दे रखे हैं स्ट्रेन रेजिस्ट हो रहा है, स्ट्रेन रेजिस्ट नहीं हो रहा, डिफॉर्मेशन फ्री है, इस तरह के 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपने टिक कर दिया जब स्ट्रेन को रेजिस्ट किया जाता है। तो अब ये चीज़ें जो हैं आप रट रहे हैं, आपने सोचा नहीं इस बारे में, आपने बिल्कुल सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि भाई ऐसा क्या हुआ जो स्ट्रेन को रेजिस्ट करने पर ही स्ट्रेस डेवलप हुआ। अगर मैंने स्ट्रेन को रेजिस्ट नहीं किया, स्ट्रेन जो था मेरा कंटिन्यूसली बढ़ता गया, मतलब डिफॉर्म जो बॉडी थी मेरी डिफॉर्मेबल थी, थोड़ा सा भी लोड अप्लाई करने पर आगे बढ़ती जा रही थी, अगर आपने इस चीज़ को नहीं सोचा और आपने इसको रट लिया तो क्या ये क्वेश्चन आपके किसी काम का रहेगा, नहीं, क्योंकि साइंस भी बोलती है जिस चीज़ को आप रट लेते हैं वो 21 दिन के अंदर आपके दिमाग से कहीं ना कहीं निकल ही जाती है। पर हमें तो अपने कॉन्सेप्ट ऐसे करने हैं जो हम एग्ज़ाम के अंदर जब हम बैठे हैं तब हमें अभी जितना सोचना है सोच लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जब बैठोगे ना जितना अभी सोचोगे एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना ही कम सोचना पड़ेगा, और जितना अभी रटोगे एग्ज़ाम के अंदर आपको उतना ही सोचना पड़ेगा। अभी तो आपने रट लिया कि ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन रजिस्टर हो गया, इसका आंसर ए था। अब जब आप एग्जाम में बैठते हो और एग्जाम के अंदर आप जानते हैं प्रेशर कितना ज़्यादा होता है, अभी 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे के अंदर, जिसमें 100 टेक्निकल है 100 नॉन टेक है। अब आपने बोला चलो पहले नॉन टेक निपटा लेते, नहीं नहीं चलो पहले टेक्निकल निपटा लेते, टेक्निकल जो है हमारा बहुत स्ट्रांग है, और फिर ये क्वेश्चन आपको दिख गया और ये क्वेश्चन पहला ना हो के 15वां 20वां क्वेश्चन हो गया, और मान लिया जाए आपके पहले के कुछ क्वेश्चन गलत हो गए और आप थोड़े से डिप्रेस हो गए, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं आप ये क्वेश्चन भी गलत करने वाले हैं, क्योंकि ये रटी हुई चीजें हैं, ये कभी ना कभी थोड़ा प्रेशर आता है, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज होती हैं और ये चीजें जो है आपके दिमाग से निकल जाती हैं। तो किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी रटने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और उन पे समझने के बाद प्रॉब्लम करनी है, या अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस प्रॉब्लम को समझिए कि वो प्रॉब्लम आपसे पूछना क्या चाह रही है, वो आपसे चाहती क्या है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को जब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे तभी आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी स्ट्रेन और स्ट्रेस वाला एग्जांपल मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर दिया है, पूरा समझाया है कि भाई स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के बाद ही स्ट्रेस डेवलप क्यों होता है, अगर मैं स्ट्रेन को रेजिस्ट नहीं करता हूँ, फ्री कर देता हूँ हर डायरेक्शन के अंदर, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे आपको, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जिसके अंदर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे किसी नॉन टेक के अंदर किसी नोबल पुरस्कार मिला, अब इनको मिला इस साल, इनको नोबल पुरस्कार मिला मान लिया जाए, जो भी एग्जाम्पल थे XYZ को मिल गया, ठीक है। अब आपको वहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इनको नोबल पुरस्कार क्यों मिला, भैया ये फैक्ट है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बट अगर मैं टेक्निकल पोर्शन की बात करता हूँ तो टेक्निकल पोर्शन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर कितने पोर्ट होते हैं। अब बच्चों को पोर्ट में और वाल्व के अंदर डिफरेंस ही पता नहीं चल पाता है, वो सोचते हैं, या फिर क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन ये आता है कि 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर कितने वाल्व होते हैं, तो सब लिखते हैं 2 वाल्व होते हैं, ऑप्शन होता है 2, 0, 3 या 1।
और बच्चे लिखते हैं दो। अरे भैया टू स्ट्रोक इंजन के अंदर वॉल्व नहीं होते हैं, पोर्ट होते हैं, इनटेक पोर्ट और आउटलेट पोर्ट। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप रटके गए हैं टू स्ट्रोक इंजन के डायग्राम को या इन चीज़ों को आप रटके गए हैं कि दो होते हैं, दो होते हैं, दो होते हैं, आपने देखा ही नहीं वॉल्व होते हैं या पोर्ट होते हैं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत होने वाला है। कोई नहीं रोक सकता आपको इस क्वेश्चन को। अगर आपने अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है, आपने इस प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ा और इस प्रॉब्लम के बारे में पहले ही जब आप सॉल्व कर रहे थे तब सोचा, या जब आप टू स्ट्रोक इंजन पढ़ रहे थे तब आपने एक रटने वाली पद्धति ना बना के एक समझने वाली पद्धति अपनाई, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका सही होने वाला है। आप बताएंगे भी पोर्ट तो होता ही नहीं, वॉल्व तो होते ही नहीं, पोर्ट होते हैं उसके अंदर, तो आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक, तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी को रखना है। वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके अंदर से नोट्स बनाइए, फिर बुक को रेफर कीजिए। ठीक है, बुक के अंदर से भी पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए जितने हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए, और डेफिनेटली आप जो है एक ऐसा नहीं करना कि एक ही दिन में सारे एफर्ट लगा दिए और ख़त्म कर दिए, कंटिन्यूसली अपने एफर्ट को जारी रखना है। एक टर्म होती है आप सब जानते होंगे जिसको बोला जाता है कम्युनिटी, प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज आती है ये टर्म। कम्युनिटिव का मतलब होता है कि भाई कम्युनिटिव के अंदर हम क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म थी और ये नई टर्म है तो यहाँ पे नई टर्म के साथ ऐड करके लिखेंगे, मतलब 0.1 + 0.1 = 0.2। मतलब आपको हर दिन अपनी नॉलेज को एक कम्युनिटिव रखना है, बढ़ाए जाना है अपनी नॉलेज को, और उस नॉलेज को बढ़ाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, उसको यूज़ कैसे करना है वो भी आपको सीखना है। तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इन चीज़ों का जो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको यही सब समझाना चाहता था जो मेरे पास नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं कि आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। भाई पढ़ना आपको है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा अपना टाइम शेड्यूल। आप जब फ्री हैं, आप जब पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए, आपको अपना टाइम शेड्यूल खुद डिसाइड करना पड़ेगा। पर एक बात मैं बोलूँगा, आप जो टाइम शेड्यूल डिसाइड करते हैं उस टाइम शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि वो कुछ इस तरह से हो जाएगा आपकी कही हुई बात आप खुद नहीं मान रहे तो दूसरे तो क्या मानेंगे। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए कमिट करते हैं, आप एक टाइम शेड्यूल अपने लिए डिसाइड करते हैं, तो आप उसको खुद फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए कि नहीं मुझे 5 से 9 बजे तक रात में पढ़ना था तो पढ़ना था, मुझे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना था तो पढ़ना है, बस कुछ भी हो जाए पढ़ूंगा, 4 बजे उठे पढ़ो। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी जो है आपके इस एग्ज़ाम के अंदर, और ये सिर्फ एक जेई एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इसके अलावा भी जितने एग्ज़ाम होते हैं अगर आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप CGL की कर रहे हो, टेक्निकल हटा दीजिए, नॉन टेक्निकल तो आता ही CGL के अंदर भी, चाहे आप CGL की कर रहे हैं आप उसके अंदर भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करके रखिए, या फिर आप और कोई लाइक RRB जूनियर इंजीनियर है, SS सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, या लोको पायलट का एग्ज़ाम है, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। बस खुद ने जो कमिट कर दिया है कम से कम उस चीज़ को आप रोज़ फुलफिल कीजिए। आपने खुद ने कमिट किया है मुझे दिन के 5 घंटे पढ़ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिन के 12 घंटे पढ़िए आप, ठीक है, पर मैं ये बोलूँगा अगर आप दिन के 3 घंटे 4 घंटे भी पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़िए, इसके अलावा और कुछ मत कीजिए। आपका जो फोकस है वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए उस वक्त, बाकी सारे काम त्याग दीजिए उस वक्त के लिए। ठीक, तो थैंक यू सो मच। आज का जो मेरा वीडियो था ये सिर्फ स्ट्रैटेजी के लिए था।